हमारी जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें हम अक्सर याद करते हैं, कुछ अच्छे पल होते हैं। उनके आने से पहले मेरी जिंदगी बहुत सिंपल और डिसाइडेड थी, और अब उनके जाने के बाद बचा है सिर्फ आफ्टर। ठीक है, शायद हम कुछ भूल रहे हैं। हेयर ड्रायर नहीं, फ्लैशलाइट। माँ, ये कॉलेज है, कोई सर्वाइवल कोर्स नहीं। टॉवल्स, बैटरी चार्जर, फोन चार्जर। कुछ भूल गई तो मैं उधर पहुंचा सकता हूँ सामान। चलो हमें निकलना चाहिए, काफी लंबा सफर है। सबको चेक कर लो, जल्दी करो, आ जाओ। ओ, रुको, आ भी जाओ। B22। तुम्हारा कमरा मिल गया। हाय 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 स्टेफ, तुम्हारे सामने मैं टेसा हूँ। ये मेरी नई रूममेट है और ये ट्रिस्टन है। हाय, मैं टेसा। अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें काटूंगी नहीं। ओह सॉरी, ये मेरी माँ है और ये है नोहा। हेलो। हाय। सच बोलूँ तो मुझे बुरा लगा था कि एक फ्रेशर के साथ मुझे रूम दे रहे हैं। हेलो, ये अच्छी बात है कि मैं तुम्हारी गाइड बन सकती हूँ। मैं तुम्हें सारी अच्छी जगह पे लेके जा सकती हूँ।
फेक आईडी के साथ। मॉम, तुम्हारा स्वेटर अच्छा है। शुक्रिया, मैंने ये गैप से खरीदा है। क्यूट। हम अभी सीधा हाउसिंग ऑफिस में जाएंगे और तुम्हारे कमरे को बदलने के लिए कहेंगे। क्या आप क्या कह रही हैं मॉम? उस कमरे में वीड की गंदी स्मेल आ रही थी। सीन मत खड़ा करिए। मैं नहीं कर रही हूँ, हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। मॉम, ये मैं हूँ जिसके बारे में आप बात कर रही हैं। आप प्लीज मुझ पर भरोसा कर सकती हैं? आई प्रॉमिस सब ठीक होगा। प्रॉमिस। तुम्हारे बिना घर बहुत खाली खाली लगेगा। मैं जानती हूँ। आई मिस यू। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। थैंक यू मॉम। आई लव यू मेरी बच्ची। ठीक है, मैं जा रही हूँ। बाय, जल्दी मिलूंगी। ये लो, मुझे दे दो। इस दिन का ही डर था मुझे। मुझे भी। मैं तो तुम्हारी मम्मी के साथ गाड़ी में बैठने की बात कर रहा था। ठीक है। तुम्हारी माँ को मैं बिल्कुल पसंद नहीं आई ना? वो मुझे बुरी लड़की समझती है ना? वो बस मुझे लेके प्रोटेक्टिव है, क्योंकि हम दोनों ही हैं ना? ओ नहीं, थैंक यू। देखो, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई बहुत क्यूट है। तुम्हारा मतलब नोहा? वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ओ शिट शिट, नहीं कोई सॉरी। वो सीनियर है हाई स्कूल में। ट्रस्टन, मुझे उससे मिलने जाना है। ये पुरानी किताबें क्या हैं? पुरानी किताबें कौन लाता है? मैं शायद। पढ़ाकू हो तुम, मुझे पसंद है। चलो मैं चलती हूँ। बाय। Hey. Economy 101? हाँ। वो बंद है। हाँ। मैंने भी बहुत कोशिश करी थी। सच में? काफी जल्दी आ गए तुम। हाँ, मजे करो। ओह सॉरी, पहले आप। नहीं, मैं भूल रही हूँ। पहले आप जाइए। आप जाइए। नहीं, सच में आप जाइए। मेरी माँ ने सिखाया। ठीक है। क्या तुम फर्स्ट ईयर में हो? हाँ। तुम भी इकोन मेजर से हो? प्लान तो वही है। तुम? इंग्लिश मेजर से। मेरा नाम लैंडन है वैसे। टेसा, हाय। हाय, नाइस टू मीट यू। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम प्रोफेसर अलेक्जेंडर है। आपका स्वागत है इकॉन 101 में। ये आपकी सबसे इम्पोर्टेंट क्लास हो सकती है, तो मैं सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि सब अपना पूरा ध्यान यहाँ देंगे और मेरे 25 साल के तजुर्बे का पूरा फायदा उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
अब एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है आप गलत रूम में हैं। नहीं, मैं सही कमरे में हूं। वैसे आप अंदर कैसे आए? ठीक है, क्या आप प्लीज रूम से बाहर जाएंगे ताकि मैं कपड़े पहन लूं? तुम इतना भाव मत खाओ, मैं तुम्हें नहीं देख रहा। आराम से बदलो। हे टेसा। हाय, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को बाहर जाने के लिए बोल सकती हो प्लीज? मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तुमने इसे क्या बोला? कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस यहाँ पे अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है, खैर जो भी है। ये तुम आज हमारे साथ बाहर जा रही हो? शायद नहीं। ये और पार्टी, मजाक कर रही हो क्या? मैं नहीं मानता। तुम हमेशा इस कमरे में तो नहीं रहोगी ना, राइट? द ग्रेट गैट्सबी अच्छी किताब है। एक स्पॉइलर देता हूं मैं, लास्ट में सब सपना ही था। एक्चुअली वो सब एक झूठ था। हाँ, वो बस बकवास करता है। हेलो, मुझे एक कैपुचिनो चाहिए, आलमंड मिल्क और सिनेमन के साथ। और आप क्या लेंगे? मेरे लिए रेगुलर ब्लैक कॉफी प्लीज। और आप क्या लेंगे? एक अमेरिकानो प्लीज। ठीक है, थैंक्स। तुम भी ना, हमेशा बकवास करते रहते हो। अरे मैंने क्या? थैंक यू, थैंक यू। आज रात हम पार्टी में जाने वाले हैं। मुझे नहीं लगता। तुम चल रही हो, क्या तुम्हें मजे नहीं करने? हाँ मुझे करना है। तो अपना सामान उठाओ। हाँ ठीक है, ठीक है। और तैयार हो जाओ पार्टी के लिए। कैसा है बोलो? ये मुझे पसंद है, सुंदर है। पर ये थोड़ा ज्यादा ही फॉर्मल है। तुमने कहा था जैसी हो वैसी रहो। यू नो इट, तुम्हें पता है ये मुझे पसंद है। देखा यहाँ का हाल? हे, ये रही मेरी बेबी। ये है, चीयर्स चीयर्स चीयर्स। ये रही मेरी बेबी। हे, कैसी हो? हाय टेसा। हाय। मैं चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाए। फिर से करो। तेरे चक्कर में मारा जाऊंगा। करो ना, मैं रिकॉर्ड करूंगी। हे गाइस, ये मेरी नई रूममेट है और ये मेरे दोस्त, मेरे खास दोस्त।
हे, तुमसे मिलके अच्छा लगा। मेरा नाम जेड। तुम हार्डन से मिल चुकी हो, वो मॉली है। बैठो ना। क्यूट ड्रेस। और हाँ, ये जेस है, टॉनी। क्या हाल? तो तुम किस मेजर से हो? मैं बिजनेस के बारे में सोच रही हूँ या फिर शायद इकोनॉमिक्स। बहुत खूब। इन लोगों नहीं, मैं नहीं पीती। कम ऑन, हम सब पी रहे हैं, एक ग्लास ले लो ना। बस एक। चलो थोड़ा सा। यार स्टेफ, इसे कहाँ से उठाकर लाई हो? तुम थोड़ा चुप रहोगी? ये देखो। एटेस, ठीक तो हो ना? ओके, तो गाइस, ट्रूथ और डेयर खेले? क्या? ट्रूथ और डेयर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बच्चों का खेल नहीं है। हमारे खेलने का तरीका अलग है। इट इज अ ट्रूथ और डेयर। ट्रूथ। कोई अजीब जगह जहां तुमने सेक्स किया हो? पास। क्यों, ये आसान सवाल है। रुको, क्या तुम वर्जिन हो? मैं डेयर। क्या बात है, डेयर? तुम्हारा डेयर है हार्डिन को किस करना। वो नहीं करेगी। हाँ, उसके लिए ज्यादा हो जाएगा। जाओ। सच में करना चाहती हो? आसान है। मुझे अब ये खेल नहीं खेलना। यार लूजर वाली हरकतें मत करो। लड़की दमदार है। स्कॉट का पहला रिजेक्शन होता है ब्रो। हाय, मुझे लगा हम फेस टाइम करेंगे। हाँ, मुझे माफ करना। तुम कहाँ हो अभी? काफी शोर है। मैं स्टफ और उसके दोस्तों के साथ हूँ। वो सब ऐसे ही हैं। मुझे नहीं पता। तो तुम पार्टी में हो? क्या तुमने दारू पी है? मैंने बस एक ड्रिंक ली थी। ठीक है, तो तुम कॉलेज गई और अब तुम पीने लगी हो? बहुत अच्छी बात है टेसा। नोहा प्लीज, तुम ऐसे मत बोलो। क्यों ना बोलू, मैं थोड़ी ना अभी कहीं पे पार्टी कर रहा हूँ। रहने दो। सॉरी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। कुछ ढूंढ रही हो क्या? क्या तुम नशे में हो? मैं शराब नहीं पीता, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो मुझसे ज्यादा मुत्सा है। हमारी आत्माएं जिस चीज से बनी हैं,
उसकी और मेरी बिल्कुल एक जैसी है। ब्राउन टेरेसा ने एसएस किताब में कहा है। मुझे पता है कि ये ब्रोंटे है और मेरा नाम टेसा है। तो तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो टेसा? तुम्हारा कमरा? हाँ। हम अभी भी खेल रहे हैं क्या? क्योंकि मुझ पे एक ढेर उधार है तुम्हारा। रुको, रुको। मैं ये नहीं कर सकती। मुझे जाना है। Hey. मुझे खुशी है कि मैं इसमें अकेला फ्रेशमैन नहीं हूँ। मुझे इंतजार है शुरू करने का। ऑल राइट क्लास, चलिए शुरू करें। जेन ऑस्टीन के मास्टरपीस, यहाँ पर प्राइड एंड प्रेजुडिस किस किसने पढ़ी है? तो आप लोगों को वो पढ़कर कैसा लगा? तो हमारे क्लास के न्यू कमर से पूछते हैं, हार्डन स्कॉट। प्राइड एंड प्रेजुडिस, एलिजाबेथ बैनेट को चिल मारना चाहिए। उसने डार्सी को उसके लायक से भी बदतर समय दिया। तो आप कहना चाहते हैं कि डार्सी को एलिजाबेथ से प्यार नहीं था? प्यार सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है। इच्छाएं हम सबके अंदर होती हैं। हम अपने पसंदीदा ट्रेट्स का सही सेट प्रस्तुत करें और बूम, हम इसे जब चाहे ऑन और जब चाहे ऑफ कर सकते हैं। यस मिस पैसा, मुझे लगता है कि आज तक मैंने जो पढ़ा है उसमें से ये सबसे क्रांतिकारी नॉवल है। उस युग की महिला के पास ताकत थी कि उसने किसी को रिजेक्ट किया जब उसके साथ गलत व्यवहार हुआ। ओफो। वो डार्सी का एटीट्यूड था जिसने एलिजाबेथ को उसकी ओर आकर्षित किया। डार्सी का एटीट्यूड रूड और मॉकिंग था। मुझे लगता है कि वो बहुत लकी था कि उसे ऐसी औरत के साथ रहने का मौका मिला। उसने उससे शादी इसलिए की क्योंकि वो उसके ऊपर डोरे डाल रही थी। डोरे डाल रही थी? वो उसके पीछे पागल। वो अपनी लाइफ से ज्यादा खुश नहीं थी और उसे जहाँ भी एक्साइटमेंट मिलता था वो वहाँ चली जाती थी। मेरे ख्याल से ये सिर्फ उसके दिमाग में था कि उसके मन में कोई फीलिंग्स थी। वेल, तुम्हें जवाब मिल गया। ये पावर है एक अच्छी किताब की। ये काफी एक्साइटिंग था। नहीं, काफी अनोइंग था।
मुझे तो मजा आया। सुनो, तुम जो भी सोच रहे हो मत सोचो, हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ, समझे? मेरा बॉयफ्रेंड है। हमारे बीच? मुझे तो लगा कि हम उस किताब के बारे में बात कर रहे थे। हे, क्या तुम कॉफी पीने चलोगी? कोई इतना घमंडी कैसे हो सकता है? एलिजाबेथ बेनेट को शांत होने की जरूरत है। ऐसे ऐसे कौन कहता है? अब हार्डिन ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं? तुम जानते हो उसे? हाँ, वो एक तरह से मेरी फैमिली है। मेरी माँ चैंसलर स्कॉट को डेट कर रही है और चैंसलर स्कॉट हार्डिन के पापा है, और हार्डिन और मैं एक दूसरे को झेलते रहते हैं। उसके पिता चांसलर है? हाँ। सुनो ऐसा, वो सिर्फ तुम्हें भड़काना चाहता है। वो कभी कामयाब नहीं होगा। इसमें सच में दर्द होता है। तुम्हें एक करवाना चाहिए। मेरी माँ मुझे मार डालेगी। पहले एक बार डिजाइन तो देखो। ये वाला तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। या डाइस। मुझे लगता है कि मेरी माँ ने मेरे लिए सब कुछ सोच रखा है। जैसे नोहा के साथ मेरी शादी की तैयारी उन्होंने तब से कर रखी है जब मैं 5 साल की थी। रुको, तुमने आज तक सिर्फ नोहा को डेट किया है। काफी सैड है। संभाल के। देखो, इसके लिए मैं कभी मानने नहीं वाली। तुम आज रात बहुत सुंदर लग रही हो। क्या मुझे एक कप कॉफी मिलेगी? ये लीजिए। हाँ, थैंक यू। हाय। हाय। तुमसे दूर नहीं रह सकता। क्या मतलब? हम एक दूसरे से मिलते रहेंगे। मैं स्टेफ का दोस्त हूं और तुम उसकी रूममेट हो। ऐसा हम फिर से शुरू करते हैं ना, रीसेट करने के बाद हम लोग। क्या दोस्त? हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। अच्छा, तो मुझे दिखाओ। वो एक जगह है। मुझे लगता है कि अच्छा होगा हम दूर ही रहें। हम फिर मिलेंगे।
चलो इस रोड से नीचे जाना है, आ जाओ। और ये है मेरी फेवरेट जगह। बहुत खूबसूरत है। तैरना तो आता है ना? हाँ। ये तुम क्या कर रहे हो? तैरने जा रहा हूं। हॉर्डन, हॉर्डन, आ जाओ, मेरी शर्ट पहन लो, यहां काफी अच्छा लग रहा है। इधर मत देखना प्लीज। ठीक है, क्या हुआ? ये तुम पर ज्यादा अच्छी लग रही है। क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? ना बोलूं तो नहीं पूछोगी क्या? तुम सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? आसान है, खुद से। बिल्कुल, लगा ही था। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? नोहा। नोहा इसी कॉलेज का है? वो हाई स्कूल में है। हाई स्कूल? एक हाई स्कूल के बच्चे को तुम कैसे मिल गई? वो बहुत अच्छा है। अच्छा है? क्या ये बोरिंग का दूसरा मतलब नहीं है? हमेशा नहीं। तुम्हें कुछ दिखा सकता हूं? अपनी सांस रोको। शांति, अच्छा है ना? तुम्हें अजीब लगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं।
मुझे लगा कि हम बस दोस्त हैं। मुझे नहीं लगता कि हम सिर्फ दोस्त रह सकते हैं। क्या तुम्हें कभी किसी ने छुआ नहीं? तुम रुक क्यों गए? अभी नहीं टेसा। चिप्स क्यों कहते हो? तुम उन्हें फ्राइज क्यों कहती हो? क्योंकि वो तले हुए हैं। लेकिन वो फ्रेंच तो नहीं है। तुम्हारा प्लेट भरा हुआ है, देख नहीं रहा क्या? आप बिना केचप का चाहिए था। मैं अभी लाती हूँ। थैंक यू। बिना केचप के? तुम अमेरिका की हो ना? मैं सरप्राइज से भरी हुई हूँ। तो तुम्हारी कहानी क्या है? मेरी कहानी? हाँ, मतलब तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे बारे में, तुम यहाँ कैसे आए? बस मुझे नहीं लगता कि किसी के अतीत के बारे में इतने सवाल पूछने से तुम्हें उसके बारे में पता चल जाएगा। मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठकर समय बिताकर भी पता लगा सकता हूँ। क्या क्या कर क्या रही हो? मैं बस इस बात का इंतजार कर रही हूँ कि तुम यहाँ बैठकर कब अपना असली रूप दिखाओ मुझे। ये लीजिए। थैंक यू। ठीक है, समझ गया। सिर्फ एक सवाल। तुम्हारे पास रोमांस नॉवेल्स क्यों हैं अगर तुम प्यार में नहीं मानते? किसने कहा कि मैं प्यार में नहीं मानता? तुमने बोला था सोतो की क्लास में। सही कहा। तुम्हें मेरी हर बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। गाइस। हाय टेसा। गाइस, हमारे साथ भी बैठो ना। तो क्या चल रहा है तुम दोनों का? हम बस ऐसे, हम बस लंच कर रहे थे। वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है? हम निकल रहे हैं। परफेक्ट, मुझे घर छोड़ देना। मेरे पास टाइम नहीं है। जेड तुम्हें घर छोड़ देगा। यार मैं तो अभी आया हूँ। एक्सक्यूज मी। हाँ जाओ ना। तो ठीक है,
पैसा? सच में? हाँ, मैं अभी आता हूँ। मैं बाहर में हूँ। फिर मिलते हैं। और भाई क्या हाल चाल? हमें बताओ, ये सब चल क्या रहा है? वो क्या था? क्या क्या था? तुम्हें शर्म आ रही थी क्योंकि उन्होंने हमें साथ में देखा? नहीं, मैं नोहा को हमारे बारे में बता दूंगी। हमारे बारे में? अपने मिस्टर हाई स्कूल से ब्रेकअप करना चाहती हूँ तो शौक से करो, पर बिल मुझ पर मत फाड़ो। क्या? देखो, हमें अच्छा लगा लेकिन मैं डेट नहीं करता। क्या तुम सच में मजाक कर रहे हो? तुम किसका सपना देख रही हो? सरप्राइज। तुम यहाँ? हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कैसी हो तुम? थैंक यू। तुम ठीक हो? हाँ, नहीं, हाँ, मैं ठीक हूँ। पक्का? थैंक यू। ठीक है, तो बताओ हम कहाँ चले? Hey, what's up? Hi, Jaysa. Hi. तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड सच में है? हाय, मैं नोहा हूँ। मैं हूँ जेड। कैसे हो तुम? अच्छा कैंपफायर है ऐसा, और ये तुम्हारे लिए। थैंक्स। पुलिस यहाँ आ सकती है तो ध्यान रखना। तो यहाँ से हम चले क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हे टेसा, सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पे आओ। हाँ,
तो चलो हम सब एक गेम खेलते हैं, सेकंड ब्लो। सेकंड ब्लो, मैं तैयार हूँ। यस। अब आगे क्या होता है ये पता है? नहीं नहीं ब्रो 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 ब्रो, हो गया क्या? वो मना कर रही है ना, गेम ही खेल रहे हैं ना। अरे खेलने दो ना। ठीक है, लेकिन तुम उसे परेशान मत हो यार, अच्छा नहीं लग रहा, छोड़ दो उसे, तुम्हें क्या जबरदस्ती है? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, छोड़ो नहीं मैं तुझे, छोड़ो छोड़ो, अरे कर क्या रहे हो यार तुम लोग? हार्डन हार्डन, हे hey, आने के लिए शुक्रिया। हुआ क्या है? उसके पिता के बारे में झगड़ा शुरू हो गया और फिर तुम्हारा नाम आया बीच में। मुझसे वो बात नहीं करेगा तो मुझे लगा कि शायद तुमसे बात कर ले। वो कहाँ है? यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुम्हारी चिंता थी। तुम्हें तो अभी अपने परफेक्ट बॉयफ्रेंड के साथ होना चाहिए ना। नोहा को इसमें मत लाओ, मुझे लगा तुम पीते नहीं हो। नहीं पीता। खैर इसे क्या फर्क पड़ता है? तुमने काफी तमाशा किया। मैं पार्टी कर रहा था, तुमने सुना नहीं क्या? मेरे प्यारे पापा शादी कर रहे हैं और मेरी माँ लंदन के किसी कूड़ेदान में रहती है। तुम्हें नहीं लगता तुमने ज्यादा पी ली? रहने दो, मैं साफ कर लूंगा। तेरे की। चलो मेरे साथ। मेरे बर्ताव के लिए माफ करना। अगर तुम नहीं करते डेट, तुम ऐसा महसूस करते हो? मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ भी महसूस करता हूं। मुझ में गड़बड़ है। मुझे लगता है हम दोनों गड़बड़ हैं।
तुम्हें कभी छुपाना नहीं पड़ेगा, मेरे लिए तो नहीं। Hey, तुम ठीक हो? कहाँ थी तुम? कितने मैसेज किए? तुमने जवाब नहीं दिया। I'm sorry, मेरा फोन ऑफ हो गया था। मेरे दोस्त को मेरी जरूरत थी। आधी रात को? नोहा, मैं समझा सकती हूँ। प्लीज, क्या हम अंदर चल के बात कर सकते हैं? नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। नोहा, मेरी बात सुनो। नोहा प्लीज, मैं कंफ्यूज थी, मैं तुम्हें इस बारे में बताना चाहती थी। आई एम सो सॉरी। नोहा, ऐसा घर जाओ हार्डिन। नोहा और मेरा ब्रेकअप हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने अपना दोस्त खो दिया। मेरे पास आ जाओ, कम है। Float in an ocean.
heart's already been drained. I won't cry at your feet now. I know my tears will fall in vain. There's not a thing I could say, not a song I could sing for your mind to change. Nothing can fill up the space. Won't ask you to stay. मुझे तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। जब मेरे डैड चले गए थे तब मैं 10 साल की थी। उन्होंने हमें कहीं का नहीं छोड़ा और मेरी माँ वो टूट सी गई थी। मुझे उनका ख्याल रखना पड़ा लेकिन नोहा मेरे लिए था, पता है? मुझे खुद से नफरत हो रही है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ है, नोहा मेरा दोस्त है। पर उससे कुछ ज्यादा हो। चलो, लाइब्रेरी बंद हो रही है, सब लोग अपना अपना सामान उठा लो। चलो चलो चलो, लाइब्रेरी बंद होने वाली है। मेरे साथ आओ। क्या? चलो। कहाँ? नीचे। तुम मुझे आग की ओर खींच सकती हो, मुझे पानी की ओर खींच सकती हो, मुझे फांसी के फंदे तक खींच सकती हो, चाहे कैसी भी गहराई हो, तुम मुझे किसी भी चीज की ओर खींच सकती हो। ये और मेरे विचारों का भ्रम, ताकि मैं कहीं का ना रहूं। तुम मेरी बर्बादी हो, इससे मेरा यही मतलब है। तुम रुक क्यों गए? चलो निकलो यहां से। ए, यहाँ क्या कर रहे हो? रुको, रुको, कहाँ जा रहे हो? अगर दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है तो वो है दो बाइनरी तारों की जोड़ी। दो तारे अपना रास्ता एक बड़े से ब्रह्मांड में ढूंढते हैं, एक दूसरे के सामने आकर एक दूसरे में समा जाते हैं। वो दो तारे एक दूसरे को पुश करते हैं, फिर एक सुपरनोवा विस्फोट होता है।
सारे एक दूसरे का साथ देते हैं, लेकिन ज्यादातर इस धमाके के बाद वो मर जाते हैं। क्या कर रही हो टेसा? तारों के बारे में सीख रही हो क्या? उन तारों का जन्म ही एक दूसरे के लिए होता है। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो? तुम हमेशा क्या लिखते रहते हो? तुमको सब जानना है ना? दिखाओ ना। नहीं। दिखाओ। बोला ना नहीं। मैं बस देखना चाहती हूँ। टेसा बेटा, मैंने तुम्हें कॉल। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? क्या तमाशा चल रहा है यहाँ? कुछ नहीं। कौन है ये लड़का, बताओगे तुम? तो तुम क्लास जाने के बजाय इसके साथ टाइम वेस्ट कर रही हो? नहीं। मुझे जाना चाहिए। तुम्हें लगता है? क्या हम बाहर चलकर बात कर सकते हैं प्लीज? प्लीज तुम जाओ, तुम मेरे साथ आओ। तो तुम मेरे साथ मजाक कर रही थी, तुम्हारी रूममेट को देखते ही मुझे पता चल गया था कि तुम कुछ ऐसा ही करने वाली हो। आप ये क्या बोल रही हैं? इतना सब कुछ करने के बाद तुम एक लड़के के लिए खुद को बर्बाद कर रही हो? तुम होश में हो? आप क्या बोल रही हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। पहले उस लड़के से ब्रेकअप करो और तुम्हें फोकस करना चाहिए अपनी पढ़ाई पे। आपको पता है आपके परफेक्ट बनने की कोशिश में लगे रहना, आपने जैसा चाहा मेरी जिंदगी को वैसा कर दिया। लेकिन मैंने ये तुम्हारी भलाई के लिए किया। I'm so so sorry माँ, आपकी जिंदगी आपके हिसाब से नहीं चली वाकई में, पर ये मेरी जिंदगी है, मुझे जीने दे। क्या सच में तुम्हें ये चाहिए? हाँ। अगर मैं यहां से गई तो हमारा रिश्ता खत्म। वो तुम्हारा दिल तोड़ देगा। वो हार्डिंग की वजह से तुमसे बात नहीं कर रही है, मुझे बस थोड़ी सी चिंता हो रही है तुम्हारी। क्यों? हार्डिंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ मुझे पता है, पर मेरे साथ वो अलग है। बस अपना ध्यान रखना। तुम ठीक हो ना? हाँ, तुम कहाँ थे? अंदर आओ, सब बताता हूँ।
तैयार हो ना? हाँ। पक्का ना? हाँ। किसका घर है ये? मेरे डैड के दोस्त का है, वो एक प्रोफेसर है। और वो कहाँ है? फिलहाल इटली में है। अरे हाँ, मुझे उनके पौधों में पानी देना था। ओह, वो पेंट करती हैं। बहुत सुंदर है। और अगर ये जगह हमारी होती तो? जरूर हो सकती है। तुम्हारा मतलब है हम साथ में रहेंगे? अब जब तुम्हारी माँ तुम्हें पैसे नहीं देंगी तो मुझे तो कुछ करना पड़ेगा ना। हम यहाँ रह सकते हैं पूरे साल के लिए, सिर्फ मैं और तुम। तुमने ये मेरे लिए किया? दो। देखो वो तुम्हारी जैसी लग रही है। तुम पागल हो। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। क्या यकीन नहीं हो रहा? कि तुम मेरी हो। फिर से नहीं, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। कोई भी मेरी फीलिंग्स को बदल नहीं सकता जो तुम्हारे लिए है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे इसके लिए मना लिया। एक शादी का रिसेप्शन है, तुम्हें जेल नहीं भेज रहे हैं। हाय। हे, तुम लोग आ गए। हे, हाँ। तुम बहुत अच्छी लग रही हो डेसा। थैंक यू। हे, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। ये बहुत फैंसी है। हाँ, फैंसी तो है, तो अब से हम भाई है। हाँ। तुम सच में बहुत खुश होगे अपनी माँ और केन के लिए? हाँ, बहुत खुश हूँ। तुम दोनों से अंदर मिलता हूँ।
ये बहुत सुंदर है। देखो कौन आया है। तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। मुझे भी। और तुम टेसा होगी। टेसा, मैं कैरिन हूँ। हाय, आपसे मिलकर अच्छा लगा। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तुम यहाँ आए मुझे बहुत खुशी हुई। कांग्रेचुलेशंस। आने के लिए शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ आए। लेंदो ने बताया तुम प्रोफेसर सोटो के सेमिनार में। हाँ। तुम इंग्लिश मेजर में हो। काश, मेरा तो मन है लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं नौकरी करना चाहती हूँ तो मुझे बिजनेस या इकोनॉमिक्स लेना चाहिए। अगर तुम्हारा मन लिटरेचर के बिजनेस साइड में है तो मेरे एक दोस्त की पब्लिशिंग कंपनी है। आपका मतलब वांस? हाँ। ठीक है, तो मैं उनको कॉल कर देता। बिल्कुल, मुझे यकीन है कि वो बहुत खुश होगा। केन, डाना आ गई है, हमें चल के हाई बोलना चाहिए। Enjoy. Nice meeting you. हाँ, मुझे भी। चलो मजे करते हैं। नहीं कर सकता। क्यों नहीं? क्योंकि तुमसे वादा किया है कि गुड बॉय बन के रहूंगा। आप सभी का यहाँ आने के लिए शुक्रिया। आज की शाम हम मेरी खुशी और समृद्धि का जश्न मनाएंगे और उसका नाम है कैरन, जो मेरी दुनिया है। और सच कहूँ तो उसने मेरी जान बचाई है। मैं खुशकिस्मत हूँ मेरी बीवी का, मेरी नई जिंदगी का और एक नहीं बल्कि दो होनहार बेटों का, हार्डन और लैंडन। मुझे याद है वो वक्त जब मेरी सबसे बड़ी खुशी हार्डिन को सुनने में थी, जो कि नॉवेल्स के पैसेजेस को सुनाया करता था और वो भी मुंह जबानी परफॉर्म करके, और वो सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे, खुशी के आंसू। मेरा बाप एक बेवड़ा था। मैं उस पल को ठीक से बयां नहीं कर पा रहा हूँ। कम से कम मुझे तब भी पता था मेरा बेटा बहुत होनहार है। मेरे पापा ने नहीं की थी। और उसके जैसा ही एक और होनहार बेटा लैंडन मेरी जिंदगी में आया। दिख रहा है, पर इससे चीजें बदल नहीं जाएंगी। मैं शुक्रगुजार हूं कैरन का, जो मेरी जिंदगी में आई। क्या हुआ था? और मेरी जिंदगी को बदल कर मुझे एक बेहतर इंसान बनाया। जब मैं 8 साल का था, मेरे डैड एक क्लब में थे, शराब के नशे में धुत। उन्होंने गलत लोगों से पंगा ले लिया और वो हमारे घर बदला लेने आ गए, और ये वहां नहीं थे। लेकिन मेरी मां अकेली थी। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने उनको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन और अब मुझे एहसास हो चुका है कि परिवार से ज्यादा कुछ भी जरूरी। और ऐसा है मेरा बाप, क्योंकि बुरे वक्त में केवल परिवार ही सबके चहेते चांसलर स्कॉट। तो आइए इस जश्न का मजा उठाएं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब भी वो लाइन्स याद होंगी। आपकी तरह तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे बस आपके ब्रिलियंट बेटे के साथ डांस करना है। Is there a secret? Is there a code?
after the dust. I still hear the howl, I still feel the love. Over the rise, above all the noise, through all the world, I still hear your voice. श्योर हो ना? हाँ। हम रुक सकते हैं। नहीं कैट, फिर से करो। ये है मुझे आईडिया हार मान लो। अरे यार अच्छा एक बार और, इस बार बताऊंगी। मुझे नहीं पता क्या था वो। इस काम के लिए तो मैं रात भर जाग सकता हूँ। फिर मिलते हैं। मैं मैसेज करूंगा। यार मुझको तो क्लास में कुछ समझ ही नहीं आया, और तुम्हें? हे, हाय, कैसी हो? बॉनफायर के बाद दिखी नहीं। हाँ मैं बिजी थी शायद। अरे वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है? अब हम साथ नहीं हैं। आउच, बाय बाय हाई स्कूल। हाँ काफी बुरा था। पर तुमने तो काफी जल्दी मूव ऑन कर दिया। हार्डन कैसा है? क्या मतलब है? कह रहा था कि तुम लोग साथ हो। हाँ हम हैं। कूल। सच में? हाँ मतलब हार्डन अपनी मर्जी का मालिक है।
क्या हुआ? ये सब क्या है? तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? पता नहीं वो किस बारे में बात कर रही है। तुम्हें सच में नहीं पता है क्या? हाँ, सच में मुझे नहीं क्या पता। क्या छुपा रहे हो तुम? कुछ भी नहीं, मुझे जाना होगा अभी। हार्डन, मुझे जवाब दो, कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूँ। चल क्या रहा है? भरोसा करती हो? बिल्कुल करती हूँ, पर तो दिक्कत क्या है? You even care at all? Convincing everybody you can save me, but you're the one who made me fall. So what if I'm not? So what if I'm not everything you wanted me to be? So what if I am? So what if I am more than you can see? When you treat me like that, when you treat me like that, it's pushing me harder. Me harder when you're breaking my back. When you're breaking my back, I only get stronger. I only get stronger. I should have walked away a little ago when you said I couldn't make it out alive. When you treat me like that, when you treat me like that, I only get stronger. I only get stronger. तुम हार्डन की गाड़ी में क्या कर रहे हो? क्यों, मैं उसकी गाड़ी में नहीं बैठ सकता क्या? जेस, मुझे बताओ हार्डन कहाँ है? शायद वो ब्लाइंड बॉक्स में है। हाँ, उसका बहुत ज्यादा मजा आता है। और तुम्हें वो याद है, वो भूरे बालों वाला? Oh my God, Tess, क्या बात है, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? हाँ। तुम्हें फ्राइज चाहिए क्या? जब से तुमने घर छोड़ा है तुम दिखी ही नहीं हो। मैं और हार्डन कैंपस के बाहर रह रहे हैं। रुको, तुम दोनों एक साथ रह रहे हो? हाँ। बात ऐसा, मुझे नहीं पता था तुम दोनों इतने सीरियस हो। हाँ, हम हैं। ये सब कब से, कितने समय से चल रहा है? हे, देखो मुझे कौन मिला। ओह, हे जेस, हाय हार्डन। व्हाट्स अप? तुम बहुत टैलेंटेड हो। प्लान इज ऑन। टेसा, हाय हार्डन। टेसा हमें तुम्हारे बारे में सब बता रही थी। टेसा ने हमें सब कुछ डिटेल्स में बताया। तुम दोनों साथ में रह रहे हो? और तुम दोनों साथ में कितने क्यूट लगते हो। तुम्हें कुछ टेसा को बताना नहीं चाहिए? जैसे कि तुम्हारे और उसके बीच चल रहा है। हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। मुझे तुम पर भरोसा नहीं। तुमने क्या बोला इसे? टेसा, मैं कसम खाता हूँ, मैंने उसके टेक्स्ट देख लिए थे। उसका कुछ भी मतलब नहीं था, मैंने उसे जवाब तक नहीं दिया। मेरी बात का भरोसा करो, मैंने कहा ना कि ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। तुम्हें नहीं लगता कि बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है? कौन सी बात हार्डन? हाँ, कुछ चल तो रहा है, पर वो नहीं जो तुम सोच रही हो। मौली, चुप रहो। टेसा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे। तुम्हें ट्रूथ और डेयर याद है क्या? मैंने कहा ना, चुप रहो। मौली, मुझे ये गेम नहीं खेलना। लड़की में दम है। लगता है हार्डन स्कॉट को पहला रिजेक्शन मिल गया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा? क्या नहीं कर पाओगे हार्डन? तो एक डेयर देता हूं, वो मेरे प्यार में पड़ जाएगी, और उसके बाद मैं बस
उसे छोड़ दूंगा। ये सब एक गेम था। पैसा, 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 प्लीज मेरी बात सुनो। ये सब कुछ पहले की बात है, तब मैं तुम्हें ठीक से जानता भी नहीं था। क्या ये सच है? और तुम सब जानते थे? पैसा, पैसा, रुको। पैसा रुको, पैसा। तो तुमने उसे एग्जैक्टली क्या बताया? कुछ भी नहीं। ये सब कुछ सच नहीं था? मुझे लगा सब कुछ झूठ था। वो सब पुरानी बात है। किसके पहले? जब से मैं चुटकी बजाई और देखो सब खत्म हो गया। तुमने तो कहा था कि तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए कभी नहीं बदलेंगी। तो फिर शायद हम दोनों झूठे हैं। हाय माँ। क्या बात है? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि आई एम सॉरी। आई एम सॉरी टू। आई लव यू।
तो तुम यहाँ कैसे? मेरा घर आना जरूरी था। I'm so sorry, नोहा। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। हाँ जानता हूँ। मैंने ऐसा कुछ हो जाएगा ये नहीं सोचा था। हाँ पर यही तो बात है ना, हम बदल जाते हैं और फिर ढूंढते हैं कि हम कौन हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ हाँ खत्म होने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं आपके इस सेमेस्टर के पेपर से बहुत खुश हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सब हमेशा ऐसे ही करते रहें, बहुत अच्छे। मिस यांग, ये हार्डिन का सबमिशन है। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए कम तुम्हारे लिए ज्यादा लिखा है। थैंक यू।
ये क्या है? एक सीक्रेट जगह, और ये सोचने के लिए अच्छी जगह है। मैंने अपने जिंदगी में सैकड़ों नॉवल पढ़ी होंगी, और उसमें ज्यादातर यही कहते हैं कि प्यार दुनिया में सबसे जरूरी होता है, क्योंकि वो किसी भी चोट को ठीक कर सकता है, और उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। डार्सी से लेकर हीथक्लिफ तक मुझे लगा कि ये सब झूठ है, और प्यार जैसी कोई भी चीज नहीं होती, और इसे सिर्फ किताबों में पाया जाता है। लेकिन ये सब उस दिन बदल गया जब मैं अपनी एलिजाबेथ बेनेट से मिला। उससे मिलने से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने अलावा किसी और से भी इतना प्यार कर सकता हूं। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंधेरे से बाहर निकाला और मुझे एक ऐसी दुनिया दिखाई जो कि आत्माओं से बनी है, क्योंकि उसकी और मेरी आत्मा एक ही है। I'm sorry. प्लीज मुझे माफ कर दो। याद है ना कि तुमने मुझसे एक बार पूछा था कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करता हूं? तुमसे।
हूँ।